अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज़ फराह, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, सबसे पहले चीनी डालेंगे। चीनी हमारे पास यहाँ पे है 1.5 कप, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश है, इसको आप कर लें और इसको भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप चाहे तो साथ ही पीस लें, चीनी के साथ स्ट्रॉबेरी को साथ ही पीस लें। मैंने अलग अलग डाला है तो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छे क्रश बनाए तो थोड़े चंक्स रहने दें, जिस तरह मैंने रखा है। देखें आप, चंक्स दिख रहा है आपको, थोड़े से चंक्स छोड़ें क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश है तो इसको, इसके लिए आपको चंक्स लाजमी छोड़ना है। उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। बहुत इजी है। अब इसके अंदर साथ ही साथ शामिल कर दें लेमन जूस। यहाँ हमारे पास 1 लेमन यानी कि लाइम जूस है, 1 लाइम जूस शामिल कर दें। अगर लाइम नहीं है आपके पास तो लेमन जूस शामिल कर दें, और साथ ही साथ इसको कुक करते जाएंगे। लेमन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो शुगर सिरप क्रिस्टलाइज ना हो जाए। तो जब भी आप कोई भी चीज़ शुगर वाली बनाएं तो इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करें। अब इसे ठीक होने तक कुक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, यदि इस तरह ठीक हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। चलिए इसे फ्लेम ऑफ करते हैं और ठंडा करते हैं, उसके बाद आपको क्रश बनाकर दिखाते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ड्रिंक बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आइस डालेंगे। आपको स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना सिखाते हैं 3 तरह के। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। टू टेबल स्पून क्रश डालेंगे। ये देखिए, एक में डालेंगे पानी, इसको पानी के साथ बनाएंगे। दूसरे में यूज करेंगे लवन, ये देखिए फ्रेश लवन है, वो डालेंगे। अगर आपके पास लवन नहीं है तो दही डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लेंड करके दूध के साथ। ये देखिए फ्रेश मिल्क डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए लेमन वाली भी मिक्स करेंगे। तीन तरह के स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी ड्रिंक या रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।